बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कुन्ना गोश्त। कुन्ना गोश्त हर मौसम में हर फर्द की हमेशा पसंद रहा है, और अब तो वैसे भी बकरीद आने ही वाली है, तो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो चले हम शुरू करते हैं। इसके लिए मिट्टी की हांडी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ऑयल लेंगे 3/4 कप हम इसमें मिट्टी की हांडी में, दूसरी हांडी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अनियन लेंगे 2 दरमियाने, जिनको बहुत बारीक चॉप करना है और इनको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे, मटन का, बीफ का, जो भी चाहे आप ले सकते हैं। बस बड़ी बोटियाँ होनी चाहिए, आप देख लीजिए, और हड्डियाँ हों तो बहुत अच्छा जायका आता है, नली की हड्डियाँ बेहतरीन रहती हैं। अब नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून। अब इसकी इतनी भुनाई करें कि गोश्त का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए, वाइटिश सा हो जाए, तो मैंने पानी शामिल कर दिया 2 ग्लास। अब पानी डाल के इसको हमने एक उबाल आने के बाद बहुत धीमी आंच पर रख देना है, क्योंकि इसका टेस्ट स्लो कुकिंग से ही आएगा। देखें, इसका पानी खुश्क हो रहा है और गोश्त तकरीबन गल चुका है, तो मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है। एक्स्ट्रा ऑयल आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये बाद में शामिल करेंगे। अब इसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी और डाला है, और एक उबाल आने के बाद मैंने इसको साइड पर रख दिया है। अब इसकी हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। मैंने 14-15 बादाम लेके उसको छील लिया है। गंदम का आटा लिया तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब इसको मैंने बादामों को पीसने के बाद इन दोनों को मिला के मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तो इसको मैंने थोड़े से पानी में डिजोल्व कर लेना है। अब इसको हम कुन्ने में डाल देंगे, और इसका गाढ़ा, जब तक गाढ़ा होगा इसको हम पकाएंगे। देखें, बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब मैंने जो तेल निकाला था वो भी डाल दिया है। अब काला ज़ीरा, जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून भर के मैंने पीस के वो शामिल किया है। हरी मिर्चें 2 मैंने बारीक काट के वो डाली हैं, और अदरक तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना बनता है बारीक काट के वो भी डाल दिया है। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे दीजिए। मज़ेदार सा बहुत ही टेस्टी कुन्ना तैयार है। नान के साथ एंजॉय करें, खाइए और ज़रूर बनाएं।